हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली गुलगुले की रेसिपी। ऊपर की साइड से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सबसे अच्छी बात, ये बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। चलिए तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, वज़न में ये 240 ग्राम है, और आधा कप मैंने चीनी लिया है, चीनी 120 ग्राम है, आधी चम्मची मैंने सौंफ लिया है, गुलगुले में आप सौंफ ज़रूर डालें, और 1/4 चम्मची बेकिंग सोडा लिया है मैंने। अगर आप गुलगुले को तुरंत बनाना चाहती हैं तभी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। गुलगुले के बैटर को आप 5-6 घंटा पहले से फेंट कर रख दें। इसके बाद गुलगुले बनाएं तो आपको बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आटा और चीनी नापने के लिए आप घर की कोई भी कटोरी ले सकती हैं। जिस कटोरी से 1 कटोरी आटा लें उसी कटोरी से आधी कटोरी चीनी लेना है। इन चीज़ों के अलावा हमें गुलगुला फ्राई करने के लिए तेल चाहिए। सबसे पहले हम चीनी को 1 प्याले में डालकर घोल लेंगे। यहाँ पे मैंने इस कप से आधा कप पानी लिया है, थोड़ा सा पानी चीनी में डाल दें। ये हमारा नॉर्मल पानी है, ना गर्म है ना ठंडा है। बस चीनी को पानी के साथ तब तक मिलाएं जब तक ये चीनी अच्छे से घुल ना जाए। देखिए दोस्तों, चीनी बहुत अच्छे से पानी में घुल चुका है। अब हमें इसी चीनी वाले पानी से गुलगुले का बैटर तैयार करना है। अब एक दूसरा बड़ा सा प्याला ले लें। 1 कप जो मैंने गेहूं का आटा लिया था उसे प्याले में डाल दें। इसमें आधी चम्मची सौंफ डाल दें और 1/4 चम्मची बेकिंग सोडा मिला लें। अब इस चीनी वाले पानी से हमें आटे का बैटर बनाना है। इसे एक बार और चला लें। आटा, सौंफ और बेकिंग सोडा को भी अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें चीनी वाले सिरप को डालकर गाढ़ा सा बैटर बना लें। चीनी के सिरप को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। जैसे जैसे आपको ज़रूरत महसूस होगी वैसे वैसे डालती जाएं। बैटर अभी बहुत ज़्यादा सूखा है तो इसमें पूरे सिरप को मिला लें। बैटर में अभी और पानी की ज़रूरत है। कप में जो पानी बचा हुआ है इसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाकर परफेक्ट बैटर बनाएं। चम्मच से बैटर को मिलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो मैं इसे हाथ से मिलाऊंगी। देखिए दोस्तों, इसे हाथ से आपको इस तरह से फेंटना है। इस तरह से आप गुलगुले के बैटर को 2 मिनट के लिए फेंट लें। गुलगुले का बैटर आपको इसी तरह का गाढ़ा सा रखना है। बैटर गाढ़ा रहेगा तो तेल में डालने पड़िए, इस तरह से गोल सा बना रहेगा। अगर आपका बैटर पतला रहेगा तो गुलगुला चिपटा चिपटा बनेगा, तेल में जाने पर वो फैल जाएगा। देखिए दोस्तों, इतना बैटर बनाने में हमें आधा कप पानी लगा है। इसे 10 मिनट के लिए कवर करके ऐसे ही रहने दें। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इससे गुलगुले फ्राई कर लेते हैं। तेल को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो चुका है। तेल गरम होने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लें। 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर साइड में रख लें। सबसे पहले आप अपने हाथों को पानी से भिंगा लें। बैटर को थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब बैटर में से नींबू के आकार का पोर्शन लेकर तेल में डालते जाएं। इस तरह से गोल बैटर उठाकर तेल में डालते जाएं।
थोड़ी देर तक इसे ऐसे ही फ्राई होने दें। देखिए दोस्तों, थोड़ी देर बाद गुलगुला तैर कर ऊपर की तरफ आ गया है। आप देख सकती हैं गुलगुला इतना हल्का है कि अपने से पलट रहा है। इसका मतलब है कि गुलगुले का बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बना था। अब आप इसे थोड़ा सा उलट पुलट कर लें। मीडियम फ्लेम पर ही गुलगुले को फ्राई करें। थोड़ी थोड़ी देर पर आप इसे उलट पुलट करती रहें। गोल्डन कलर आने तक गुलगुले को फ्राई करें। गोल्डन कलर आने पर आप इसे निकाल लें। इसी तरह से गुलगुले का दूसरा बैच भी फ्राई कर लें। गुलगुले को आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकती हैं और इसे आप सफ़र में भी ले जा सकती हैं। इतने बैटर से आपके 22-23 पीस गुलगुले बन जाएंगे। तो लीजिए, गुलगुले का दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म खाएं या ठंडा करके, दोनों ही सूरत में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऊपर की साइड से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय।